बैठा है। ये हमारी जो चैटर चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के अलाया। क्या था ये? अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ, और यहाँ अंडे उबल रहे हैं क्योंकि नाश्ता करना है हमें। अभी मैंने अंडे उबाल लिए हैं और साथ में हमारी यहाँ मूली भी रखी है, तो उसके मैं सैंडविच बनाऊँगी और फिर हम अपना नाश्ता करेंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम। तो जी आज मामा बनानी है स्वीट पोटैटो, इसको शकरकंदी भी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। दूसरा मम्मी बना रही है साथ में अंडे आलू का सालन, और मैं शकरकंदी की आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी मम्मा की बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी है और मुझे काफ़ी चलती है। तो मैं पहले चीज़ें निकालनी होती है, क्योंकि इसके अंदर सामान जाएगा। चीनी चाहिए सबसे पहले, तकरीबन हम 3 चम्मच डाल देंगे छोटी वाली। हालाँकि ये स्वीट पोटैटो स्वीट ही होते हैं, पर ये चीनी डालने से एक अलग सी। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसमें जाता है लाइक रेड चिली पाउडर, जो होता है मतलब रेड चिली पाउडर जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, यानी कुछ भी डाल में डाल दूँ, तो वो थोड़ी सी डालेंगे अपने स्पाइसी के मुताबिक। और इसको अंदर कलर लाने के लिए रेड चिली का, तो मैं इसके अंदर डाल दूँ थोड़ा सा पेपरिका, ये स्वीट पेपरिका, बस थोड़ा सा डालेंगे। एंड देन इसमें जाएगा ऑयल डालेंगे बस थोड़ा सा, ख़त्म। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो सारे मसाला है वो सारे जो स्वीट पोटैटो है उसमें अच्छे से कोटेड हो जाए। और देखिए इसमें तेल ज़्यादा नहीं डला, इतना डला कि सब चीज़ अच्छे से कोट हो गई है। और इसको हम हल्की आँख पर, बिल्कुल दम वाली आँख पर पकाएँगे ढक कर, ताकि ये अपनी स्टीम में पक भी जाए और हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसको हम रख देते हैं हल्की आँच पर चूल्हे पर, और फिर इसको भूल जाएंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, क्योंकि फिर जब तक पक ना जाते हैं हम इसको जब तक छोड़ देंगे। तो अब इसको चूल्हे पर रख देते हैं। हमने हाफ रख तो दिया है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको लाइक खोल के घुमाना जरूर पड़ेगा, कि ताकि सारे जो भी है ये रहे जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये होने लग जाए, तो ताकि जल ना जाए, इस वजह से हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसको मिक्स करना है और देखना है कि ये कितना टाइम लेंगे। और ये देखें काफ़ी हद तक ये हो गया है, बस इसको और थोड़ी देर रखेंगे और फिर खाएँगे। हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है, बस इसको दम लगा के आलू के दाने हैं हमें, और साथ में जो हमारी शकरकंदी थी वो भी रेडी हो गई थी, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और अभी हम सब बैठ के खाएंगे। इसमें से इतनी अच्छी और खुशबू आ रही है ना, मीठी मीठी सी, क्या बताऊँ, स्पाइसी मीठी सी, यानी सब टाइप की ना आप खुशबू सुन सकते हो। तो इसको निकालते हैं और अंदर बैठ के सब खा। सो जी हम ड्रामा देख रहे हैं पाकिस्तानी, और ये देखिए कितने अच्छे से आलू ये बिल्कुल ही गल गया है, और इसको आप टेस्ट करके देखते हैं। मज़ेदार, थोड़े स्पाइसी है, स्पाइसी स्पाइसी से लग रहा है, मज़ा आ रहा है, टेस्टी लगता है। अगर इमली का पेस्ट बना के वो भी पटा लो तो और मज़ा। तो आपने क्यों नहीं डलवाया? इमली पर नहीं डलवाई, मज़ा आ रहा है। ये भाई सुबह चिप्स लाया था, और अभी उसे हमने पूछा तो उसने कहा खा लो, और साथ में मेरे पास ये चेडर चीज़ बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको मेल्ट करके इसके ऊपर डाल के फिर हम खाते हैं। तो इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेती हूँ अच्छे से, एक बॉल में डाल के और फिर इस पर डाल के खाते हैं। ये हमारी जो चेडर चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल के अलाया। क्या था ये? दूध डाल के इसको थोड़ा सा मैंने पानी पानी टाइप का करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल ठीक हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब हम इसके साथ खाएंगे। यस यू कैन, थैंक यू।
अलाया से बातें कर रहा है, हमसे नहीं करता। अलाया तो कैसे खेल रहा है जैसे अलाया उसकी फ्रेंड है। ये देखो अलाया आपका फ्रेंड बन गया, आपसे बातें कर रहा है, हैं? जी हमारा काफी दिल चाह रहा था जलेबी खाने का, ये हमने साथ में नमक पारे भी लिए हैं और ये साथ में जलेबी। मैं मलिक से बनूं प्लीज। कर रहे थे मजेदार नमक पारे और ये अभी जलेबी ताजा ताजा बन आई है। पापा ये मेरी बहन को खाने में पड़ी हुई है। कभी नमक पारे और जलेबी साथ खाइए, बहुत टेस्टी होती है, नमकीन और मीठा। खा के देखो, ओहो नमक पारे टूट गया। मैं बताती हूँ ऐसे खाते हैं, मज़ा आता है, मीठा और नमकीन, एंजॉय करते हैं।